प्रभात विद्यार्थियों, आज मैं आपको क्षितिज पुस्तक से पाठ दो लहासा की ओर पाठ समझाऊंगी, जिसके लेखक राहुल सांकृत यायन जी हैं। इन्होंने इस पाठ में अपनी पहली यात्रा, जो जब वे तिब्बत गए थे तो वहाँ पे उन्होंने क्या क्या परिस्थितियाँ देखी, क्या क्या वहाँ के रीति रिवाज थे, तो इन सब के बारे में उन्होंने इस पाठ में बताया है। यह यात्रा उन्होंने जो है 1929 से 1930 में की थी, जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था, अंग्रेज़ों का गुलाम था। तो चलिए आगे हम देखते हैं। सबसे पहले हम राहुल सांकृत यायन जी का जीवन परिचय देखेंगे। राहुल सांकृत यायन का जन्म सन 1893 में उनके ननिहाल गांव पंदहा, जिला आजमगढ़, उत्तर प्रदेश में हुआ। उनका पैतृक गांव कनैला था। पैतृक माने जो पूर्वज थे, उनके जो पूर्वज थे वे कहाँ के थे, कनैला गांव के थे। उनका मूल नाम केदारनाथ पांडे था, माने उनका असली नाम जो है केदारनाथ पांडे था। उनकी शिक्षा काशी, आगरा और लाहौर में हुई, माने उन्होंने जो है अपने पढ़ाई कहाँ कहाँ से की है, काशी से, आगरा से और लाहौर से। सन 1930 में उन्होंने श्रीलंका जाकर बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। जब वे 1930 में श्रीलंका गए थे तब उन्होंने वहाँ पे बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था, मैंने अपना लिया था। तब से उनका नाम राहुल सांकृत यायन हो गया। मैंने पहले तो उनका नाम केदारनाथ पांडे था, लेकिन जब उन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण किया तब से उनका नाम जो है राहुल सांकृत यायन हुआ। राहुल जी पाली, प्राकृतिक, अप्रभंश, तिब्बती, चीनी, जापानी, रूसी सहित अनेक भाषाओं के जानकार थे। उन्हें महापंडित कहा जाता था। वे इतनी सारी भाषाएं जानते थे, इस कारण उन्हें जो है महापंडित कहा जाता था। सन 1963 में उनका देहांत हो गया। राहुल सांकृत यायन ने उपन्यास, कहानी, आत्मकथा, यात्रा वृत्त जीवनी, आलोचना, शोध आदि अनेक विधाओं में साहित्य सृजन किया। इतना ही नहीं, उन्होंने अनेक ग्रंथों का हिंदी में अनुवाद भी किया, जैसे मेरी जीवन यात्रा, दर्शन दिग्दर्शन, 22वीं सदी, गोलगा से गंगा, भागो नहीं दुनिया को बदलो, गुलाबी दिमागी, घुमक्कड़ शास्त्र उनकी प्रमुख कृतियां हैं। कृतियां माने उन्होंने इनकी रचना की है। साहित्य के अलावा दर्शन, राजनीति, धर्म, इतिहास, विज्ञान आदि विभिन्न विषयों पर राहुल जी द्वारा रचित पुस्तकों की संख्या लगभग 150 है। माने उन्होंने लगभग 150 पुस्तकें जो हैं अपने से लिखी हैं। राहुल जी ने बहुत सी लुप्त प्राय सामग्री का उद्धार कर अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य किया है। मैंने उन्होंने क्या किया था, जो सामग्री जो है मैंने बहुत मैंने लुप्त हो गई थी प्राय, तो उन सामग्री को उन्होंने उद्धार किया है। यात्रा वृत्त लेखन में राहुल जी का स्थान अन्यतम है। मैंने उनका यात्रा वृत्त लेखन मतलब यात्रा का वर्णन, मैंने यात्रा का, वो किसी भी मैंने कहानी में जो है यात्रा का वर्णन करते हैं, और वो जो है यात्रा वृत्तांत लेखन में उनका नाम अत्यंत ऊपर है। उन्होंने घुमक्कड़ी का शास्त्र रचा और उससे होने वाली लाभों का विस्तार से वर्णन करते हुए मंजिल के स्थान पर यात्रा को ही घुमक्कड़ का उद्देश्य बताया। घुमक्कड़ी से मनोरंजन, ज्ञानवर्धन एवं अज्ञात स्थलों की जानकारी के साथ साथ भाषा एवं संस्कृति का भी आदान प्रदान होता है। माने घूमने से क्या होता है कि हम जो है एक स्थान से दूसरे स्थान अगर जाते हैं तो हमको वहाँ की भाषा के बारे में या उनकी संस्कृति के बारे में भी हमको पता चलता है। राहुल जी ने विभिन्न स्थानों में के भौगोलिक वर्णन के अतिरिक्त वहाँ के जनजीवन की सुंदर झांकी जो है प्रस्तुत की है। मैंने जगह जगह वे जब जाते हैं घूमने के लिए तो वो उसे कहानी के माध्यम से अपनी कहानी में मैंने एक सुंदर झांकी के रूप में उसको प्रस्तुत करते हैं हम लोगों के सामने। संकलित अंश राहुल जी की प्रथम तिब्बत यात्रा से लिया गया है, जो उन्होंने सन 1929 से 1930 में नेपाल के रास्ते की थी। उस समय भारतीयों को तिब्बत यात्रा की अनुमति नहीं थी, इसलिए उन्होंने यह यात्रा एक भिखमंगे के छद्मवेश में की थी। मैंने 1929 से 1930 में क्या था, जब हमारा देश अंग्रेज़ों का गुलाम हुआ करता था तो उस समय जो है भारतीयों को तिब्बत जाने की अनुमति नहीं मिलती थी। इस कारण उन्होंने क्या किया था, वहाँ यात्रा मैंने करने के लिए उन्होंने एक भिखमंगे का वेश धारण किया था। मैंने अपना परिचय छुपाने के लिए उन्होंने एक भिखारी का वेश धारण किया। इसमें तिब्बत की राजधानी ल्हासा की ओर जाने वाले दुर्गम रास्तों का वर्णन उन्होंने बहुत ही रोचक शैली में किया है।
इस यात्रा वृत्तांत में हमें उस समय के तिब्बती समाज के बारे में भी जानकारी मिलती है। ल्हासा की ओर, वह नेपाल से तिब्बत जाने का मुख्य रास्ता है। फरी कलिंग पोर्ट का रास्ता जब नहीं खुला था तो नेपाल ही नहीं हिंदुस्तान की भी चीज़ें इसी रास्ते तिब्बत जाया करती थी। माने जब ये जो है नेपाल से जो है तिब्बत जाने का मुख्य रास्ता था, तब जो है वहाँ पे क्या होता था कि नेपाल और हिंदुस्तान की चीज़ें जो है इसी रास्ते से कहाँ जाती थी, तिब्बत जाती थी। यह व्यापारिक ही नहीं सैनिक रास्ता भी था। माने यह रास्ता जो है सिर्फ व्यापार के लिए ही नहीं था। माने व्यापारिक मतलब जो सामान होता है एक जगह से दूसरे जगह, माने सामान का जो इधर उधर जो प्रदान माने होता है आदान प्रदान, तो ये व्यापारिक रास्ता ही नहीं था, सैनिक रास्ता भी था। माने जो सैनिक है वो भी इसी रास्ते से जाया करते थे। इसलिए जगह जगह फौजी चौकियां और किले बने हुए हैं जिनमें कभी चीनी पलटन रहा करती थी। चीनी पलटन मतलब जो चीन की जो फौजें होती हैं उन्हें, चीन के जो सैनिक होते हैं उन्हें चीनी पलटन कहा जाता है। आजकल बहुत से फौजी मकान गिर चुके हैं। माने अभी जो है बहुत सारे जो मकान माने फौजी मकान माने जो चौकियां हैं वो गिर गई है। दुर्ग के किसी भाग में जहां किसानों ने अपना बसेरा बना लिया है वहां घर कुछ आबाद दिखाई पड़ते हैं। ऐसे ही परित्यक्त एक चीनी किला था। हम वहां चाय पीने के लिए ठहरे। तिब्बत में यात्रियों के लिए बहुत सी तकलीफें भी थी और कुछ आराम की बातें भी। वहां जाति पाति छुआछूत का सवाल ही नहीं है और ना औरतें पर्दा करती है। बहुत निम्न श्रेणी के भिखमंगों को लोग चोरी के डर से घर के भीतर नहीं आने देते थे। माने जो खूब निम्न माने जो सबसे छोटी जाति के भिखमंगे थे उनको लोग जो है माने चोरी करने माने घर के अंदर घुस के चोरी कर सकते हैं, इस कारण उन्हें अपने घर के अंदर जाने नहीं देते थे। नहीं तो आप बिल्कुल घर के भीतर जा सकते हैं, नहीं तो जो उच्च श्रेणी के थोड़े भिखमंगे हैं उनको घर के अंदर जाने देते थे। चाहे आप बिल्कुल अपरिचित हो तब भी घर की बहू या सासू को अपनी झोली में से चाय दे सकते हैं। माने आप परिचित माने जिससे परिचय ना हो फिर भी आप माने अपने घर से बहू को और माने बहू और सास जो है उनकी झोली से चाय ले सकते हैं। वह आपके लिए उसे पका देगी। माने आप चाय पत्ती चीनी वगैरह देंगे तो वो आपके लिए चाय पका देंगी। मक्खन और सोडा नमक दे दीजिए। वह चाय चोड़ी में कूट कर उसे दूध वाली चाय के रंग की बना के मिट्टी की टोटीदार बर्तन में रख के आपको दे देंगी। यदि बैठक की जगह चूल्हे से दूर है तो आपको डर है कि सारा मक्खन आपकी चाय में नहीं पड़ेगा, तो आप जो है खुद जाकर चोड़ी में चाय मत कर ला सकते हैं। चाय का रंग तैयार हो जाने पर फिर नमक मक्खन डालने की ज़रूरत होती है। तो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, इसके आगे का भाग जो है हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।